क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की ओर से प्रत्याशी डॉक्टर भोला सिंह जी ने आज नामांकन किया है और नामांकन के अवसर पर हमारे मंत्रिपरिषद के साथी पार्टी के नेता श्री जेपीएस राठौर जी, हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष, हमारे विधायकगण सब लोग प्रस्तावक के रूप में भी शामिल रहे। तीसरी बार डॉक्टर भोला सिंह जी बहुत बड़े अंतर से बुलंदशहर से कमल खिलाने का काम करेंगे और तीसरी बार मोदी सरकार बनाने में बुलंदशहर के धरती से जो भारत को विश्व गुरु बनाने की आवाज है वो बुलंद होगी, ऐसा मैं विश्वास। ये कल्याण सिंह जी की कर्म भूमि भी रही है। देखिए बाबू जी, कल्याण सिंह जी को प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं और उनका आशीर्वाद सदा भाजपा के साथ है, भाजपा प्रत्याशियों के साथ है। और डॉक्टर भोला जी को तो पहली बार जब चुनाव लड़ाने का विषय आया था, मैं उसका साक्षी हूँ, जो उन्होंने चार नाम दिए थे उसमें बुलंदशहर में डॉक्टर भोला सिंह जी का नाम था और उनका आशीर्वाद तो भोला जी के साथ है ही, लेकिन पूरा पार्टी नेतृत्व का आशीर्वाद है, समर्थन है। और उत्तर प्रदेश में जो 80 लोकसभा सीटें हैं, हम भाजपा और भाजपा गठबंधन जीत रहा है। देश में 2024 में 400 पार का जो लक्ष्य है उसे प्राप्त करेंगे। 370 जो अनुच्छेद जम्मू कश्मीर में था उसे हटाया है। हर बूथ पर 370 वोट जो पहले मिलते थे उसमें प्लस करने की अपील भी की गई है और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता ने मन बना लिया है सपा बसपा कांग्रेस का सफाया करने का और मोदी जी को तीसरी बार देश की बागडोर सौंपने का। सर, विपक्ष घबराया हुआ है, बौखलाया हुआ है, तिल मिलाया हुआ है, लेकिन इसके बाद ही जनता के ऊपर उनके उनका कोई असर नहीं पड़ा। सर, शिवपाल ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। शिवपाल ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है, क्या कहा गया है? देखिए, समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी, सपा हो या कांग्रेस, यही इंडी गठबंधन के रूप में उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहा है और इंडी गठबंधन को जनता ने नकार दिया है। बंगलौर से जो इंडी गठबंधन बना था और मुंबई में आते आते बिखर गया। एक फिल्म का गाना है, दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई। सर, आपने 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 आम आदमी पार्टी ने क्या कर, संजय सिंह सिहेर आ गया है, निकल के क्या कहना है सर? कि इसमें मुझे कुछ नहीं कहना, देश की सर्वोच्च अदालत में जमानत के लिए उन्होंने अर्जी दी थी और उनको जमानत मिली है, लेकिन यह माननीय प्रधानमंत्री जी का बुलंदशहर की धरती से भी ऐलान था, मेरठ की धरती से भी ऐलान था, देश के अलग अलग हिस्सों से ऐलान है। हम भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे, गरीबी से मुक्त भारत बनाएंगे और देश की जो चार जातियां, गरीब है, किसान है, नौजवान है और महिलाएं, इनको सशक्त करने का काम करेंगे और भारत को आत्मनिर्भर बना करके खड़ा करेंगे, विकसित भारत 2047 तक बना करके खड़ा करेंगे। इस गारंटी के साथ जनता का आशीर्वाद मांग रहे हैं और मेरा पूरा विश्वास है 2024 ही नहीं 2047 तक, अभी से राहुल गांधी जी, श्री अखिलेश यादव जी, बहन मायावती जी या कोई भी देश के विपक्षी जो नेता हैं, उनके लिए देश की राजनीति में और उत्तर प्रदेश की राजनीति में वैकेंसी नहीं है। दो लड़कों की जोड़ी पे क्या कहेंगे? दो लड़कों की जोड़ी हम लोग 17 में देख चुके हैं जो फेल हो चुकी है। सर, ये बता दीजिए, देश में 400 और यूपी में 80 का फार्मूला क्या है? 80 का फार्मूला जनता की सेवा के बल पर है, गरीब कल्याण के बल पर है, महिला सशक्तिकरण के बल पर है, नौजवानों के उज्ज्वल भविष्य के बल पर है। यह चुनाव भाजपा का कार्यकर्ता लड़ रहा है, भाजपा के प्रत्याशी लड़ रहे हैं, भाजपा के पदाधिकारी लड़ा रहे हैं, लेकिन यह चुनाव जनता ने अपने हाथों में लिया है और बहुत बड़े अंतर से। मेरा पूरा विश्वास है विपक्ष को यहाँ पर जमानत बचाना मुश्किल पड़ रहा है, मतलब केवल बुलंदशहर ही नहीं उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर। लोकसभा डॉक्टर भोला सिंह का नामांकन हुआ है, प्रत्याशी का क्या कहना? भोला सिंह इस बार ऐतिहासिक मतों के साथ जीतेंगे और इस बुलंदशहर लोकसभा पर हैट्रिक बनाने का काम करेंगे। पिछली बार जितने वोट से जीते थे उससे दुगने वोट के मार्जिन से जीतेंगे। अभी कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है अब की बार 8 लाख पार, तो 8 लाख वोट से पाकर यहां से विजयी होंगे भोला जी। और जो बाबू कल्याण सिंह जी की विरासत रही है, यहां कर्मक्षेत्र रहा है, उसको चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिला है। आज सभी किसान और बाबू कल्याण सिंह जी को मानने वाले सभी लोग, और ये जनपद तो फौजियों का जिला है, इस फौजियों के जिलों में फौजियों को जो सम्मान, वन पेंशन, वन रैंक वन पेंशन देने का काम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, और जिस तरीके से सैनिकों को छूट दी है पाकिस्तान के खिलाफ या चीन के खिलाफ लड़ाई में, ऐसी छूट माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरा सैनिक
बम बम बोल रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए इस प्रदेश की जनता, देश की जनता आतुर है। अब की बार 400 पार। मंत्री जी 2019 के मुकाबले इस 24 के चुनावों किस नजरिए से देखिए? 2019 में चुनाव में हमने जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर बहुत काम किया था और उसके बाद 2019 के बाद अगर आप देखें 24 तक हमने जन आकांक्षाओं को पूरा करने का बहुत सा काम किया है, जिसमें ट्रिपल तलाक है, जिसमें सीए है, जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्रीराम का मंदिर है और तमाम ऐसे काम जो सैकड़ों वर्षों से लोगों का अपेक्षा थी कि ये काम होने चाहिए थे, जिसमें शरणार्थियों को हमने सम्मान देने का काम किया, तो ऐसे सभी काम इस 5 साल में पूरे किए गए। इनके कारण जो जन आकांक्षाएं पूरी हुई हैं, अब विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हमारी देश की जनता माननीय मोदी जी के हाथों को मजबूत करना चाहती। मुझको लगता है कि इस बार ऐतिहासिक सीट के साथ भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार बनाए। दो लड़कों की जोड़ी हमेशा चुनाव के दौरान चर्चाओं में है। देखिए वो जोड़ी 2017 के चुनाव में जो फेल हो चुकी, जो जोड़ी 2000 की जब मजबूत स्थिति थी उस समय फेल हुई, उस समय समाजवादी पार्टी की इस प्रदेश में सरकार थी, आज समाजवादी पार्टी को पूछने वाला कोई नहीं है, तो ये दो लड़कों की जोड़ी फ्लॉप जोड़ी है और ये फिर से अपना एक इतिहास दोहराएगी और बुरी स्थिति में जा रही। वो एक लड़का तो पहले ही भाग गया, अमेठी से चुनाव नहीं लड़ना चाहता, दूसरा लड़का भी भाग गया, रणछोड़ हो गया, वो भी कहीं से चुनाव नहीं लड़ना चाहता, तो जो दो रणछोड़ जोड़ी है, ये रणछोड़ जोड़ी साथ साथ आने के बाद फिर क्या परिदृश्य बनेगा आप कल्पना कर सकते हैं। ईवीएम ने मोदी जी ने कुरैशी जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया, हमारे निर्वाचन आयुक्त रहे मुख्य निर्वाचन आयुक्त, उन्होंने कहा कि अगर ईवीएम में गड़बड़ी की गुंजाइश होती तो कांग्रेस कभी सत्ता से बाहर वापस जाती ही नहीं, तो ईवीएम में किसी प्रकार गुंजाइश नहीं, ये ईवीएम का तो बहाना है। अभी मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार जी ने भी कहा कि अंदाज अपना तो देखते नहीं और उसके बाद आरोप हमारे ऊपर लगाते हो, ये आरोप हमारे ऊपर लगाना ठीक नहीं, ये मतलब वफा खुद से नहीं होती, आरोप हम पर लगाते हो। तो मुझे लगता है कि ईवीएम के बारे में पर्याप्त चर्चा हो चुकी, ईवीएम पूरी तरीके से उसकी अग्नि परीक्षा हो चुकी, वो सीता माता जी की तरह पवित्र है, हर तरीके से पवित्र है, किसी तरीके से ईवीएम पर दोष लगाना ठीक। आज यहाँ बुलंदशहर में हम सब लोग एकत्रित हुए और मुझे पूर्ण विश्वास है कि बुलंदशहर की जनता मन बना चुकी है कि तीसरी बार हमें इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को ही चुनना है और बुलंदशहर की जनता बुलंदशहर से तीसरी बार हमारे सांसद श्री भोला सिंह जी को भारी बहुमत से विजय बनाने का मन बना चुकी है। मैं देख रहा हूं कि आज यहां पे चुनावी वातावरण जिस तरह से बना हुआ है, जितने भी विपक्षी हैं अभी तक कोई चुनाव मैदान में सक्रिय नहीं दिखाई दे रहा है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरी तरह से चुनाव के मैदान में उतर चुके हैं और पूरी तरह से मन बना चुके हैं कि तीसरी बार हम यहां से भारतीय जनता पार्टी को भोला सिंह जी को चुन करके सांसद बना करके भेजने का काम करेंगे और देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार को हम सब लोग लेके आएंगे। देखिए उनका कोई निजी विषय है, उनका चुनाव लड़ने का पहले से इस तरह की अफवाहें थी, अटकलें लगाई जा रही थी कि चुनाव शिवपाल जी नहीं लड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी बदायूं से अपने प्रत्याशी को उतार चुकी है और हम सब लोग मजबूत स्थिति में हैं। मुझे लगता है कि हम बदायूं से भी भारी बहुमत से विजय होकर के आएंगे। देखिए पहले भी ये सब लोग, इन लोगों ने मिलकर के चुनाव लड़ा है और इस बार भी प्रयास किया जा रहा है चुनाव लड़ने का। मुझे लगता है कि जिस तरह से पहले ये सब लोग फेल हुए हैं, इस बार भी इंडी गठबंधन के रूप में ठगबंधन को बनाया गया है और भारतीय जनता पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। हम सब लोग निसंदेह तीसरी बार फिर एक बार मोदी जी को चुन करके लेकर के आने का काम करें।